अस्सलामु अलैकुम कारोबारियों, मैं हूँ इरफान साइंस वाला। आज मौजूद हूँ अपने रावलपिंडी सेंटर पे, जहाँ से कामरान भाई ने आज से तकरीबन कुछ ही महीनों पहले जूस का कारोबार शुरू किया और माशाल्लाह 1 लाख से भी ज़्यादा महीने का कमा रहे हैं। काम इन्होंने पिछले साल से शुरू किया था, लेकिन हमारे साथ अटैच हुए तकरीबन 3 से 4 माह हो चुके हैं और अपना बिजनेस कामयाबी के साथ चला रहे हैं। अभी इन्हीं से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक, शुक्र है सुनाए काम की। अच्छा अल्लाह का, शुक्र है सर। अच्छा जा रहा है, जा रहा है। अच्छे कैसे रिजल्ट्स हैं मार्केट के? रिजल्ट्स हैं, अभी पहले से बेहतर हैं। कब शुरू किया था काम? पिछले स्टार्ट तो मैंने पिछले साल से किया था साल किया जी। था। कितने रकम से किया था? स्टार्ट में 10,000 से। सच है? सच है अच्छा, जी। अब क्या सूरत हाल है? अब तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी अच्छा है और माल भी हम ज़्यादा अच्छे से जा रहा है, अच्छा वीकली तैयार क्या कर रहे हैं, रिजल्ट्स प्रोडक्शन हैं? अच्छी है। वीकली कितनी सेल है? वीकली हमारी 400 तकरीबन जो है ना पेट वो सेल हो जाते हैं वीकली अच्छा, बेसिस पे तो रामलीला वगैरह यहाँ से जा रहा है आपका? अच्छा, जी। यानी इधर से रामलीला वगैरह लेके जा रहे हो काम रॉ करके मटेरियल जाते यहीं हो? से ले रहे हैं सारा कुछ, बोतल रॉ मटेरियल हो गए, लेबल्स वगैरह हो गए जी, सही है, फॉर्मुलेशन ओके है। फार्मुलेशन भी यहीं से ली है। रिपीट कस्टमर कितना है? तकरीबन 50%, 50%। 50%। आपके जूस के अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि लोग पसंद करते हैं उसको? सर एक तो फार्मूलेशन जो मैंने आपसे ली की, आपसे सीखी और यहाँ पे आके प्रैक्टिकल देखा सीखा, उसके मुताबिक जो बना रहे हैं वो उसमें और बाकी जूसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये बारीकपन महसूस नहीं होता जब हम इसको पिए, गले में कोई खराश वगैरह नहीं होती, ना ही वो जलन करता है। सही इसलिए है, क्योंकि जिसको हम दे रहे हैं उन सबका यही कहना है कि बाकी जूसों से ये इसकी क्वालिटी अच्छी है और ये अच्छा जा रहा है। नुकसान कितना हुआ इस काम में आपको? स्टार्ट में हुआ था जब जाहिर है मार्केट में जब हमने स्टार्ट किया तो लोग कस्टमर जो है वो इतनी जल्दी इस तरफ नहीं आते, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो भी इतनी जल्दी हमारा माल नहीं लेते। स्टार्ट में थी थोड़ी परेशानी, लेकिन जब हम उनको टेस्ट करवाते थे एज अ सैम्पल तो वो एग्री हो जाते थे लेने के लिए। आपके पास बेचने का कौन सा गुर है जिसकी वजह से आप बेचने में कामयाब होंगे? गुड़ मार्केट में देखे बहुत सारे कंपटीटर्स हैं, उनको जब तक आप अपना प्रूफ नहीं दोगे, अपनी क्वालिटी चेक नहीं करवाओगे, तब तक वो आप पे यकीन नहीं करेंगे। सबसे पहले हम उन्हें चेक करवाते हैं तो उनकी तसल्ली से, जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उसके बाद जो है हम उनसे डील करते हैं अगली, कि हम ये चीज़ तैयार कर रहे हैं और ये आप यही फिर वाला कब जो सेल जूस करें है, यही आप जूस बना रहे हैं? जी। ये वाला कितना मार्जिन एक पैड पे बना रहे हैं? बोतल के हिसाब से है, एक बोतल हमें पड़ रही है जिसकी कॉस्ट तकरीबन 75 से 80 रुपीज़ की अच्छा, जी। सही है। कुछ लोग कहते हैं 65 की बढ़ती है, कुछ लोग कहते हैं 100 रुपये कॉस्ट करती है, वो उसमें इसकी जब क्या वेरिएशन है? अच्छा इसकी वेरिएशन डिपेंड करती है आपकी बिल्टी पे जी। अच्छा ठीक है। क्या कमेंट्स देंगे यहाँ पे इरफान साइंस वाला रावलपिंडी सेंटर के बारे में? सर ये तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, पहले हमें जो है यूट्यूब से आपकी हेल्प लेनी पड़ती थी, ऑन कॉल लेना पड़ता था, अब ये है कि फिज़िकली आके जो भी हमें परेशानी होती है, जो भी मसले मसाइल होते हैं, हम आके डिस्कस करते हैं और उसे सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अच्छा, और लोग के तो कहते हैं हम कारोबार करें कोई मसला मसाइल आए ही ना, ये ऐसा मुमकिन है? नहीं ऐसा मुमकिन नहीं है, ये जो कहते हैं वो गलत कहते हैं, मसले मसाइल होते हैं, स्टार्ट में बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता करके फिर वो सॉर्ट आउट होते रहते हैं। ये नहीं है कि जब आप कोई भी काम शुरू करो तो एकदम से कहो कि जी मैं बिल्कुल 100% सही जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं होता, सही है, यानी कि वक्त के साथ 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 बिल्कुल ऐसे ही है। हल होते रहते हैं मसले तो मसाइल। ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या करते थे आप? मैं बेसिकली मैंने BSc किया हुआ है इन कंप्यूटर साइंसेस, अच्छा तो अच्छा मैं IT मैनेजर की जॉब कर रहा था, रिसेंटली मैंने क्विट किया तो फिर अपने काम की तरफ जो है वो आया यानी कि IT मैनेजर की जॉब छोड़ दी छोड़ दीजिए, और बिजनेस में खुशहाली है। बिजनेस में अभी आ गए। नहीं ठीक है, जॉब छोड़ने में कोई पछतावा तो होगा? कोई नहीं, 1%। अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि अच्छा, अपना काम तो अपनी मर्जी से हम करते हैं, अपनी मर्जी से जब दिल किया उठ के स्टार्ट कर दिया, जब नहीं दिल क्या किया तो सोच के अपना बिजनेस शुरू किया? बस यही कि अभी बस कुछ करके दिखाना है। किस वक्त माइंड बदल गया था कि अपना ही करूंगा? ये माइंड बना था क्योंकि बार बार जो है ना जॉब की स्विच हम कर रहे थे, नई से नई की तलाश कर रहे थे,
तो आपको पता है मार्केट के हालात भी अच्छे नहीं जा रहे हैं, सैलरीज वगैरह बहुत कम है, टाइम बहुत ज़्यादा मांगते हैं वो। इस वजह से जब मैंने कहा कि हम लोगों के लिए इतना काम कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, क्यों ना अपने काम के लिए एफर्ट की जाए, तो इसलिए फिर मैं अपने काम की तरफ आ गया। ठीक है, जी तो यहाँ पे किसी ने रेफर किया था या खुद ही आए थे? मैं बेसिकली मैंने स्टार्ट में आपकी वीडियोस देखी थी कारोबार के हवाले से, तो उन वीडियोस को देख के फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया, आपकी टीम से कांटेक्ट किया। फिर आस्ता आस्ता मैंने 10,000 से स्टार्ट लिया रॉ मटेरियल लगा के, तो फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर मशीन का अरेंज किया, फिर इस वीडियो तरह से किधर करते देखी थी? करते यूट्यूब पे, यूट्यूब पे, फेसबुक यूट्यूब पे? अच्छा, ठीक, पे करते करते आप किधर पहुंच गए? करते करते बस यहाँ तक पहुँच गए, आपके पास आ गए। ठीक है, आज हमारी पहली मुलाकात है। जी पहली फर्स्ट। अच्छा,